एक्सिस पर ओके okay? तो सब्जेक्ट आएगा एक्स एक्सिस पर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहा आएंगे वाई एक्सिस पर कंप्लीट द द कोड टू परफॉर्म फॉलोइंग अब यहाँ पे आपको क्या करना है कोड को कंप्लीट करना है ओके okay? तो फर्स्ट क्या है टू प्लॉट द बायोग्राफ इन द स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट वन में आपको बायोग्राफ को प्लॉट करना है राइट right? तो यहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है सब्जेक्ट एंड वाई एक्सिस पे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट राइट right? अब आपको क्या प्लॉट करना है बायोग्राफ बायोग्राफ आप किसकी हेल्प से प्लॉट करते हो आप प्लॉट मॉड्यूल के बार फंक्शन की हेल्प से प्लॉट करते हो ओके okay. तो सबसे पहले जो हमारी स्टेटमेंट आती है वो इंपोर्ट आती है इंपोर्ट मेट प्लॉट लिप डॉट पाइप्लॉट एस पी एल टी आप मतलब यहाँ पे पीएलटी क्या है हमने क्या किया इसका एक शॉर्ट नेम दे दिया है ओके okay, नहीं तो हमें हर बार क्या लिखना पड़ेगा मेट प्लॉट लिप डॉट पाइपलॉट डॉट बार फंक्शन या मेट प्लॉट लिप डॉट पाइपलॉट डॉट जो भी फंक्शन आप यूज करना चाहते हो वो राइट तो इसके इसको हमने शॉर्ट करके इसका एलियस दिया पीएलटी राइट ओके और यहाँ पे ये यह लाइब्रेरी हम क्यों लेते हैं मेट प्लॉट लिप के पाइपलॉट मॉड्यूल आपको क्या करते हैं फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए तो हम यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट आएगा वो क्या आएगा पीएलटी डॉट बार ओके okay, क्योंकि हमें क्या करना है बार ग्राफ को ड्रॉ करना है पीएलटी डॉट बार और बार के अंदर आप क्या करोगे एक्स एंड वाई सिक्वेंस को पास कर दोगे राइट right. तो आपका क्या ड्रॉ हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या प्लॉट हो जाएगा बायोग्राफ प्लॉट हो जाएगा फाइन ओके नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है टू डिस्प्ले द ग्राफ इन द स्टेटमेंट अब ये आपका ड्रॉ तो हो जाएगा लेकिन ये डिस्प्ले आप कैसे करोगे तो इसके लिए आपके पास होता है माइट प्लॉट लाइब्रेरी के प्लॉट मॉड्यूल आपको क्या प्रोवाइड करता है आपको शो फंक्शन प्रोवाइड करता है फाइन तो आप क्या लिखोगे पीएलटी यहाँ पे क्योंकि हम पूरा नहीं लिख रहे हैं मेट प्लॉट लिप डॉट पाइप्लॉट तो हमने पीएलटी डॉट शो कर दिया राइट अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आप पी एल टी ओनली नहीं लिखना आप या तो ये स्टेटमेंट दे देना इम्पोर्ट Matplotlib .pyplot as plt, या फिर आप पूरा लिखोगे मेट प्लॉट लिप डॉट डॉट बार फंक्शन मेट प्लॉट डॉट शो फंक्शन दोनों बार ये ना लिखना पड़े तो आप स्टार्टिंग में इम्पोर्ट मेट प्लॉट लिप डॉट एस पी एल टी देना फाइन तो यहाँ पे बायोग्राफ को प्लॉट करने के लिए आप आ, बार फंक्शन का यूज करोगे और उसको शो करने के लिए आप शो फंक्शन का यूज करोगे राइट ओके लिकिश वॉन्ट्स टू प्लॉट अ बार चार्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास ऑफ डिफरेंट सेक्शन नाउ लिकिशा क्या चाहती है बार चार्ट ड्रॉ करना चाहती है किसके ऊपर स्टूडेंट ऑफ सिक्स क्लास ऑफ डिफरेंट से राइट हुए राइट right? मतलब सिक्स क्लास के स्टूडेंट जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट लिया है उनके ऊपर को बार चार्ट प्लॉट करना है कंप्लीट द द कोड कोड टू टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन तो यहाँ पे हमें कोड को क्या करना है कंप्लीट करना है फाइन फर्स्ट क्या है टू प्लॉट बार चार्ट यूजिंग द गिवन डेटा सेट ऑफ सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या करना है उसमें क्या करना है आपको बार चार्ट को ड्रॉ करना है फाइन तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया हुआ है इम्पोर्ट मेट प्लॉटलेट डॉट्लॉट एस पीएलटी ओके स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट सिक्वेंस दी हुई है, आपको, right, अब आपको बार पे क्या करना है बार चार्ट को प्लॉट करना है ओके okay, तो आपने दिया पीएलटी डॉट बार ओके पीएलटी पीएलटी आपने यहाँ से मेट प्लॉट लिप डॉट पाइपलॉट की आपने क्या ले लिया पीएलटी पीएलटी डॉट बार बार फंक्शन के अंदर आपने सिक्वेंस को पास कर दिया राइट right? एक्स so, पे आपने स्टूडेंट को पास किया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे ओके okay, एंड पे आपने सब्जेक्ट को पास किया है फाइन या फिर आप ले सकते हो एक्स में आप सब्जेक्ट को पास कर दो सब्जेक्ट्स आ जाएंगे एक्सिस पर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके आ जाएंगे वाई एक्सिस पर फाइन जैसे भी जिस भी तरीके से आपको दोनों ही करेक्ट है जैसे आप ड्रॉ करना चाहते हो यहाँ पे एक्चुअली कंडीशन नहीं दी हुई कि एक्स एक्सिस पे क्या आना चाहिए और वाई एक्सिस पे क्या आना चाहिए तो यहाँ पे दोनों करेक्ट है फाइन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, है, मतलब है ये जो लाइन होती है छोटी छोटी इनको बोलते हैं टिक्स और यू कैन से पॉइंट ये आ जाए तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमें किस पे लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे लेना पड़ेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट वाई एक्सिस पे आपको लेने पड़ेंगे तो अगर सिंपल अगर, अगर आपको स्टेटमेंट देनी है कि जो सब्जेक्ट्स है वहां पे टिक्स आ जाए तो आप क्या दोगे इसके लिए आप दोगे इसके लिए आप किसका यूज करोगे आप पाइपलॉट के एक्स टिक्स फंक्शन का यूज करोगे फाइन देखो पी एल लिप लाइब्रेरी के पाइपलॉट मॉड्यूल के एक्स टिक्स फंक्शन का यूज करोगे तो हमने यहाँ पे दिया पी एल टी डॉट एक्सटिक्स राइट और यहाँ पे आपने पास किया सब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पे हम आप किसको आ, कहाँ पे टिक्स आप ले रहे हो सब्जेक्ट्स पर ओके okay, और सब्जेक्ट्स कहां पे आएंगे एक्स एक्सिस पर और जहां जहां सब्जेक्ट्स आएंगे वहां वहां आपके टिक्स पॉइंट आएंगे ओके और अगर आपको वाई एक्सिस पे टिक्स लगाने होते तो आप कौन सा फंक्शन यूज करते, है? करते हैं आप वाई टिक्स फंक्शन यूज करते अंडरस्टूड तो पहले हमने क्या दिया स्टेटमेंट में हाउ टू ड्रॉ द बार फाइन और फिर हमने क्या जो सेकंड स्टेटमेंट थी उसमें क्या क्या प्रोवाइड किया कि आप सब्जेक्ट्स को टिक्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हो तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे एक्स टिक्स फंक्शन का यूज करेंगे और उसमें पास करेंगे सब्जेक्ट सिक्वेंस को ओके okay? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ राइट द कोड टू प्लॉट इट अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ग्राफ दिया हुआ है ठीक है हमें uh, क्या करना है इसको इसके लिए कोड लिखना है कि कैसे प्लॉट होगा फाइन तो सबसे इंपॉर्टेंट उस लाइन uh, जो हमें हमेशा याद रखनी है वो है इम्पोर्ट मेट प्लॉट लिप डॉट प्लॉट एस पी एल टी पी एल टी हमने एक कॉमन सा दे रखा है आप कोई भी नेम दे सकते हो पीएल दे सकते हो पीटी दे सकते हो ओके okay? तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया राइट अब यहाँ पे हमें क्या देखना है पिक्चर में ये देखना है कौन सा ग्राफ है ये लाइन ग्राफ है ओके तो लाइन ग्राफ के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो आप मेट प्लॉटलिप लाइब्रेरी के पाइपलॉट मॉड्यूल के प्लॉट फंक्शन को यूज करते हो अब देखो ये जो पाइपलॉट है ना मॉड्यूल वो किसके अंदर है मेट प्लॉटलिप लाइब्रेरी के अंदर है और प्लॉट फंक्शन इसके अंदर है ठीक है समझ आया तो हम इसको पूरा स्पेसिफाई करते हैं तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में पीएलटी ले लिया पीएलटी डॉट प्लॉट प्लॉट फंक्शन का यूज करेंगे क्योंकि ये क्या है लाइन ग्राफ है तो लाइन ग्राफ के लिए हम प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं अब इसके अंदर एक्स सिक्वेंस हमने क्या ली अब देखो पिक्चर के अंदर देखो टू से लेकर कहां तक है सेवन तक तो हमने क्या किया सिक्वेंस ले ली टू से लेकर सेवन तक एक्स सिक्वेंस हमारी टू टू सेवन आ गई राइट ओके एंड वाई सिक्वेंस आपने क्या ली वन टू सिक्स ओके okay, तो यहाँ पे आपने वाई सिक्वेंस पास कर दी वन टू सिक्स अंडरस्टूड ओके इससे क्या होगा आपका लाइन ग्राफ देखो यहाँ से टू टू सेवन आपकी लाइन टू टू सेवन एंड वन टू सिक्स ऐसे आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी ओके नाउ नेक्स्ट आपने क्या करना है स्टेप इसको शो करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यहाँ पे लिखोगे पीएलटी डॉट शो फंक्शन राइट right? आपको ग्राफ को देखना है कौन सा ग्राफ है वही फंक्शन लगाना है क्या सीक्वेंस दी हुई है एक्स पे और क्या सीक्वेंस दी हुई है वाई पे वो आपको वो, वो यूज करनी है और इन द एंड आपको ग्राफ को शो करना है ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन द कोड बिलो ऑल रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज आर इम्पोर्टेड ओके नीचे कोड दिया हुआ है सारी लाइब्रेरीज इसमें इंपोर्ट हो चुकी है एंड द आउटपुट प्रोड्यूस बाई इट और यहाँ पे हमें क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर कोड भी दिया हुआ है और आउटपुट भी दिया हुआ है चार्ट शोइंग वाई वी आर प्लॉटिंग फोर वैल्यूज ऑन द चार्ट तो क्या कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं हम फोर वैल्यूज को प्लॉट कर रहे हैं चार्ट में लेकिन सिर्फ एक ही बार आ रहा है ऐसा क्यों है तो यहाँ पे देखो हमारा ए क्या है ए सिक्वेंस क्या है थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व ओके एंड बी सिक्वेंस आपका क्या है मतलब ए जो हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है वो थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व है और जो हमें वाई पे प्लॉट करना है वो थर्टी फोर्टी एट फिफ्टी फोर फोर्टी एट है राइट नाउ अब आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दी है पी एल टी डॉट एक्स क्लिम एक्स क्लिम किस लिए होती है इस एक्स क्लिम फंक्शन इज यूज टू सेट द लिमिट ऑफ एक्स एक्सिस तो आपने एक्स एक्सिस की लिमिट सेट कर दी कि माइनस थ्री से फाइव तक ही होगी ओके यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो माइनस थ्री से फाइव तक होंगे राइट right? अब आपने यहाँ पे लिमिट कर दी तो ये माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो फोर फाइव आ गई आपकी लिमिट इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए राइट नाउ ना पीएल बार, बार फंक्शन में प्लॉट किया ए सीक्वेंस को और बी सीक्वेंस को राइट right? तो अब देखो अब इसको आपने जब यहाँ पे क्या किया पास किया अब यहाँ पे हम देखेंगे थ्री थ्री यहाँ पे हमारे पास है उसके बाद आ जाता है सिक्स सिक्स है ही नहीं ओके सिक्स सिक्स है ही नहीं नाइन भी नहीं है ट्वेल्व भी नहीं है ओके क्या है सिर्फ एक ही वैल्यू uh, क्या हो रही है इस पे प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि बाकी के uh, बाकी की कोऑर्डिनेट्स है ही नहीं ओके okay, तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा uh, जो बार आया है वो किस वजह से आया क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स लिम uh, जो है ना लिमिट एक्स एक्सेस की लिमिट सेट कर दी माइनस टू फाइव अब देखो इसका आंसर क्या है द गिवन चार्ट इज इज

54 है 48 वो क्यों नहीं प्लॉट होंगे क्योंकि हमारा एक्सिस uh, की जो लिमिट uh, है है वो क्या ओनली है, है okay? okay? तो हमारे पास सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट था जिस पे क्या हुआ आ, 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 आपकी बार ड्रॉ होगी क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए एक्स 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 कोऑर्डिनेट भी चाहिए वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए ओके okay? तो यहाँ पे हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट की लिमिट है तो क्या इसलिए सिर्फ एक ही बार ड्रॉ हुआ है ओके नाउ फॉलोइंग कोड इज प्लॉटिंग द डिजायर्ड ग्राफ बट लेजेंड्स आर नॉट शोइंग डिस्पाइट द गिवन लेजेंड फंक्शन ऑफ पाइप प्लॉट अब ये क्या कह रहा है कि ये जो हम यहाँ पे कोड दिया हुआ है उससे ग्राफ तो प्लॉट हो रहा है ओके okay? ग्राफ वो ड्रॉ कर रहा है लेकिन लेजेंड शो नहीं न लेजेंड क्या होते हैं लेजेंड आपका क्या होता है आपका कलरफुल uh, uh, आपका डिस्क्रिप्शन आता है कि ये जो बार है ये डेटा है इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है जैसे ये दो बार्स हैं तो मान लो ये इंडिया का, का कुछ डेटा शो कर रहा है ये ऑस्ट्रेलिया का शो कर रहा है तो यहाँ पे लेजेंड में कलरफुल आ जाएगा मान लो तो इंडिया का आ गया ब्लू में कि ये डेटा इंडिया से बिलोंग करता है और ऑस्ट्रेलिया का आ गया पिंक में कि ये डेटा ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है फाइन ओके okay, तो यहाँ पे लेज़न ड्रॉ नहीं हो रहा है वट कुड बी द रीजन इसका रीजन क्या हो सकता है सजेस्ट अ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम राइट अब हम कोर्ट देखते हैं यहां पे पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स वाई यहाँ पे एक्स वाई सिक्वेंस पास करके लाइन ग्राफ को प्लॉट किया गया एस सी एक्स जी पास करके लाइन ग्राफ को प्लॉट uh, किया गया अब पी एल टी डॉट लेजेंड हमने लेजेंड की लोकेशन भी दी अपर लेफ्ट देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो क्या है जब आप प्लॉट फंक्शन में सीक्वेंस पास कर रहे हो वहां पे आपको सीक्वेंस को एक नेम देना पड़ेगा एक पर्टिकुलर लेबल भी देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लेबल के साथ ही डिफाइन होगा कि ये लेबल किससे बिलोंग करता है फर्स्ट लेबल किससे बिलोंग करता है सेकेंड लेबल किससे बिलोंग करता है मतलब किस कैटेगरी से बिलोंग करता है राइट right? देखो द अब कोड कोड वॉन्ट प्रिंट द लेजेंड बिकॉज विद द प्लॉट फंक्शन द लेबल्स आर मिसिंग यहाँ पे लेबल्स नहीं है जो इस बार को ड्रॉ किया है इसका लेवल क्या होगा वाई डेटा राइट तो हम दिखा सकते हैं वाई डेटा पर्टिकुलर कलर से और यहाँ पे एक्स जी लेवल जो है एक्स जी सिक्वेंस है वो किसको आ, आ, करेंगी वो जी डेटा को उसको हमने एक नाम दे दिया जी डेटा या लेवल मतलब हम इस सीक्वेंस को एक पर्टिकुलर नाम देंगे नाम देंगे तभी तो हम उसको कलर के थ्रू बताएंगे कि ये इस जो ये नाम है वो उसका कलर पिंक है या उसका कलर ब्लू है कलर से हम आइडेंटिफाई करते हैं ना को फाइन तो इधर देखो द लेजेंड विल वर्क ओनली वेन वी स्पेसिफाई लेवल फॉर द डेटा सीरीज लेजेंड फंक्शन तभी काम करता है जब हम डेटा सीरीज को क्या करते हैं एक पर्टिकुलर लेबल देते हैं पर्टिकुलर नाम देते हैं लेबल मीन नाम ओके प्लॉटेड इन द प्लॉट अंडरस्टूड समझ में आया वहां पे लेजेंड क्यों नहीं आ रहा था क्योंकि हमने सिक्वेंस तो ड्रॉ कर दी लेकिन उस सिक्वेंस को हमने कोई नाम नहीं दिया तो हमें नाम देना होता है और नाम हम किससे देते हैं लेबल पैरामीटर का यूज करके ओके लेबल इक्वल टू जैसे हमने इसको दे दिया वाई डेटा और सेकंड को दे दिया हमने जी डेटा तो लेजेंड में आपका क्या आ जाएगा लेजेंड का आपका आ जाएगा जैसे पर्टिकुलर कलर आ जाएगा और ये आ जाएगा वाई डेटा और जो सेकेंड कलर आ जाएगा फिर आपका आ जाएगा डेटा फाइन ओके तो यहाँ फंक्शन आपको शो और ये इसकी पोजीशन क्या होगी अपर लेफ्ट तो लेजेंड फंक्शन तभी वर्क करेगा जब आप सीक्वेंस को क्या दोगे नेम दोगे नेम किसकी हेल्प से दोगे आप लेवल की हेल्प से दोगे राइट right? आपको लेवल आर्ग्यूमेंट uh, को पास करना पड़ेगा प्लॉट फंक्शन में जो भी बार फंक्शन में जो भी आप ग्रेफ uh, क्या करना चाहते हो? करना चाहते चाहते हो हो प्लॉट प्लॉट ओके ओके राइट अ अ प्रोग्राम टू लाइन चार्ट क्या करना है पाइथन का कोड लिखना है क्या करने के लिए लाइन चार्ट को प्लॉट करने के लिए बेस्ड ऑन द गिवन डेटा टू डिपिक्ट चेंजिंग वीकली एवरेज टेम्परेचर इन डेली फॉर फोर वीक्स राइट तो हमें क्या करना है जो uh, जो क्या होता है टेम्परेचर चेंज होता है डेली में ओके okay? वीकली उसके उसके ऊपर बेस्ड आपको लाइन चार्ट क्या करना है ड्रॉ करना है तो आपको सिंपली कोड यहाँ पे लिखना है आपको ये ड्रॉ नहीं करना सिंपली कोड लिखना है ओके okay? तो यहाँ पे हमें सिक्वेंस दी हुई है वीक वीक वन टू थ्री फोर और उसमें जो टेम्परेचर चेंज होता है वो दिया गया है ओके राइट सिंपल सबसे पहले आपको क्या करना है आपको फर्स्ट लाइन लिखनी है इम्पोर्ट मेट प्लॉट लिप डॉट पाइप लॉट टी आपको लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कराना है ओके okay. सीक्वेंस हमें दे रखी है एज इट इज सीक्वेंस आपने ले ली वीक ले लिया और एवरेज वीक टेम्परेचर ले लिया फाइन और आपको अब क्या करना है वेरी सिंपल आपको पीएलटी के जो पीएलटी हमने लिया है इसका एलियस नेम पीएलटी डॉट प्लॉट प्लॉट फंक्शन का यूज करना है क्योंकि आपको लाइन ग्राफ बनाना है प्लॉट फंक्शन के अंदर आपने क्या पास कर दिया आपने पास कर दिया एक्स सिक्वेंस ओके वीक्स ओके एंड वाई सिक्वेंस राइट right, आपको दोनों दिए यहाँ पे दे रखे हैं आपको सिंपली यहाँ पे इनको पास करना है राइट वीक एंड एंड एवरेज वीक टेम्परेचर और उसके बाद आपको स्टेटमेंट देनी है पीएचटी डॉट शो जिससे आपका ग्राफ शो हो जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए इतना कोड लिखना है राइट right, ये तो मैंने आपको शो कर दिया कि कैसे वो ड्रॉ होके आएगा राइट right, इतना राइट right, समझ आ गया यहाँ पे आपको दोनों सिक्वेंस दे रखी है फाइन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द कोड टू ड्रॉ द फॉलोइंग बायोग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास यहाँ पे हमें क्या करना है ये बायोग्राफ दिया हुआ है इसको ड्रॉ करने का कोड हमें लिखना है फाइन तो सबसे पहले आपने क्या किया इम्पोर्ट मेट प्लॉट लिप डॉट पाइपलॉट एस पी एल टी आपने स्टेटमेंट ले ली ओके okay, ये ये आपको लर्न हो जाएगी उसके बाद हमें क्या देखना है एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है क्लासेस दी हुई है तो हमने एक एक वेरिएबल लिया क्लासेस और वहां उसको उसके अंदर क्या ले लिया सिक्वेंस ले लिया राइट एज अ लिस्ट ओके सिंपल यहाँ से आपको कॉपी करनी है कि क्या दिया हुआ है आपने वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी करके लिख दिया फिर आप वाई एक्सिस पे देखो वाई एक्सिस पे क्या सीक्वेंस दी हुई है तो आपने एक दूसरा वेरिएबल लिया स्टूडेंट्स और उसको इस सीक्वेंस को कॉपी कर लिया यहाँ पर राइट फोर्टी फोर्टी फाइव थर्टी फाइव फोर्टी फोर ओके okay? ये आपने यहाँ पे ले लिया अब यहाँ पे देखो फोर्टी फोर्टी फाइव इससे थोड़ा सा आ, आ, बड़ा है तो आपने इसको फोर्टी फाइव ले लिया थर्टी फाइव थोड़ा सा यहाँ पे आपको ना अपना आ, थोड़ा इंट्यूशन का भी यूज करना है कि ये फोर्टी है तो ये इससे होगा तो फोर्टी फाइव हो सकता है इससे थोड़ा बिग है तो थर्टी फाइव हो सकता है ओके okay? ये थोड़ा सा और है तो फोर्टी फोर हो सकता है ओके okay? तो यहाँ ये आपने अपने आप से अपने हिसाब से लेने अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द बार्स बार को देख कर फाइन ओके okay? एक्स इक्वेंस तो एज इट इज आ जाएगी फाइन जो यहाँ पे बाईस इक्वेंस है उसमें आप क्या करोगे बार की हाइट देखोगे ओके बार की हाइट देखोगे कि जो फर्स्ट है वो फोर्टी पे जा रही है तो फोर्टी सेकंड है फोर्टी फाइव इससे थोड़ी ऊपर है तो फोर्टी फाइव फोर्टी एट भी लिख दोगे फोर्टी सिक्स भी लिख दोगे वो भी रॉन्ग नहीं होगा राइट क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया यहाँ पे ऊपर स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पे थर्टी फाइव आपने इसको ले लिया उसको आपने फोर्टी फाइव ले लिया आप इसकी क्या देखोगे हाइट देखोगे राइट right. अब क्या करना है बार बार ग्राफ आपको प्लॉट करना है तो आप क्या करोगे पीएलटी डॉट बार बार फंक्शन लोगे ओके मेट प्लॉट लिप लाइब्रेरी का पाइपलॉट matplot, मॉड्यूल के बार फंक्शन को आप यहाँ पे लोगे और उसके अंदर आप एक्स सीक्वेंस और वाई सीक्वेंस को पास कर दोगे क्लासेस एंड स्टूडेंट्स ओके देन आप क्या करोगे शो फंक्शन से इसको डिस्प्ले कराओगे पीएलटी डॉट शो फंक्शन फाइन तो ये आपने आपका कोड आ जाएगा इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए ओके ओके कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ राइट द कोड टू प्लॉट इट अब हमें क्या दिया हुआ है ग्राफ दिया हुआ है कौन सा है वो लाइन ये लाइन ग्राफ है और हमें क्या करना है इस, इसको ड्रॉ करने का कोड लिखना है सबसे पहले आपने क्या किया इंपोर्ट मैट प्लॉट लेव डॉट पाइपलॉट एस पी एल टी स्टेटमेंट लिखा ठीक है अब हम क्या करेंगे एक्स सीक्वेंस एक्स सीक्वेंस को हम एज इट इज ले लेंगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव हमने ले लिया एक्स सीक्वेंस को ओके okay. अब जो आपका वाई सीक्वेंस है ओके okay, हमने एक्स सीक्वेंस को लिया उस ठीक है ए वेरिएबल लेके उसको हमने यहाँ पे ए right? okay, यह okay? आप कैसे लोगे आप वाई सीक्वेंस में देखोगे जो आपका ग्राफ, जो ग्राफ बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है देखो फर्स्ट जो पॉइंट है वो टेन है तो आपने पहले टेन लिया राइट right? सेकेंड जो पॉइंट है वो थर्टी से थोड़ा सा ऊपर है आपने थर्टी वन ले लिया ओके okay. फिर आप देखो कि नेक्स्ट जो मार्कर है यहाँ पे क्या है लाइन ग्राफ है ना तो मार्कर्स ज्वाइन हो रखे हैं यहाँ पे जो, जो पॉइंट्स होते हैं ओके okay? जो डेटा पॉइंट्स होते हैं उनको हम मार्कर्स बोलते हैं तो यहाँ पे देखो इसको आपने ट्वेंटी सिक्स ले लिया राइट ट्वेंटी दिस इज योर थर्टी वन तो ये आपका कम होना चाहिए था ट्वेंटी सिक्स नहीं होना चाहिए था ये आपका ट्वेंटी से टेन के बीच में है तो इसको आप लगा लो आप इसको ले सकते हो नियर अबाउट आप इसको ले सकते हो एटीन ले लो चलो इसको हमने एटीन ले लिया ठीक है देन आपका थोड़ा सा और है यहाँ पे फोर्थ जो पॉइंट है फोर्थ पॉइंट इससे थोड़ा और कम है तो आप इसको फिफ्टीन ले सकते हो वन फाइव फिफ्टीन ओके देन ट्वेंटी ये आपका ट्वेंटी है बीच में जो दो, दो पॉइंट थे ना वो वो थोड़े वो रॉन्ग थे क्योंकि ये देखो टेन टू ट्वेंटी के बीच में है दो, दोनों दोनों मार्कर्स तो लिया 31 लिया लिया पे इस पॉइंट को मैंने ले थर्टीन राइट और इस पॉइंट को ले लिया मैंने फिफ्टीन और ये तो ट्वेंटी तो आपको दिखाई दे ही रहा है ट्वेंटी ओके तो सिंपल राइट आपने एक ए, ए, ए सिक्वेंस ली है एक्स एक्सिस के लिए आपने बी सिक्वेंस ली है वाई एक्सिस के लिए अब सिंपल आपको क्या करना है पीएलटी डॉट प्लॉट प्लॉट फंक्शन के अंदर ए और बी सिक्वेंस को पास कर देनी है फाइन और उसके बाद आपको पीएलटी डॉट शो कर फंक्शन का यूज करना है तो ये आपको कोड लिखना है इसके लिए तो हमेशा ध्यान रखो एक्स एक्सिस को एज इट इज ले लो फाइन और वाई एक्सिस को आपको देख कर लेना है कि आपका ग्राफ कैसे ड्रॉ हो रहा है बार ग्राफ के अंदर आप हाइट देखोगे और लाइन ग्राफ के अंदर आप मार्कर की पोजीशन देखोगे जैसे फर्स्ट पोजीशन टेन है सेकंड पोजीशन हमने थर्टी वन ले ली थर्ड हमने एटीन ले ली फिर हमने फिफ्टीन ले ली देन इसका दिखाई दे रहा है ट्वेंटी ओके तो आप वाई एक्सिस की जो सिक्वेंस है वो ऐसे लोगे ग्राफ को देखकर देन नेक्स्ट आपको क्या करना है आपको अपने ग्राफ को प्लॉट करना है एंड देन दे शो करना है ओके ओके राइट कोड टू ड्रॉ द फॉलोइंग बायोग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास अब हमें यहाँ पे पिक्चर दी हुई है और हमें क्या करना है इसका कोड लिखना है ओके okay. ये क्या है हमारा हॉर्जोटल बायोग्राफ है राइट right? जहां पे क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ है एक्स एक्सिस पर है और क्लासेस कहाँ है वाई एक्सिस पर है ओके okay. सबसे पहले आपको क्या करना है इम्पोर्ट मेट प्लॉट लिप एस पाइप प्लॉट एस पी एल टी आप जो स्टेटमेंट हमेशा लिखनी है आपको ठीक है नो no. हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया क्लासेस क्यों लिया एक्स एक्सिस पे क्लासेस क्योंकि बार एच बार हॉर्जोटल फंक्शन क्या करता है एक्स एक्सिस को कन्वर्ट uh, कर देता है वाई वाई एक्सिस 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 में में को कन्वर्ट कर देता है एक्स समझ आया जो एक्स एक्सिस की सिक्वेंस uh, होती है वो वाई एक्सिस पे चली, चली जाती है वाई एक्सिस की सिक्वेंस चली जाती है एक्स एक्सिस पर फाइन तो हमने क्लासेस ले ली क्लासेस यहाँ पे आप देख लो कौन कौन सी क्लासेस है ओके okay. वो देख के आपने सेवेंथ एथ यहाँ पे क्लासेस ले ली फाइन ओके okay. Then students, अब आपने क्या करना है मैंने बताया था जो आपको यहाँ पे जो हमें लेना है वाई एक्सिस वो कैसे लेना है वो हमें अकॉर्डिंग टू द हाइट लेना है कि हाइट कौन सी है फोर्टी है फिर हमने फोर्टी फाइव ले ली फिर हमने थर्टी फाइव ले ली अकॉर्डिंग टू द हाइट राइट एंड फोर्टी फोर आप ये इसकी हाइट देखकर ले सकते हो ठीक है तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ ले लिया अब आपको किसका यूज करना है आपको बार एच फंक्शन का यूज करना है मेटप्रोट लाइब्रेरी के पाइपलॉट मॉड्यूल के बार एच बार एच मतलब बार हॉजल फाइन फर्स्ट आपने सिक्वेंस पास की क्लासेस सेकेंड पास की स्टूडेंट्स अब जो यहाँ पे एक्स सिक्वेंस है क्लासेस वो कहाँ पे ड्रॉ होगी वो वाई एक्सिस पे ड्रॉ होगी और जो वाई सिक्वेंस है वो कहाँ होगी वो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होगी कि उल्टा कर देता है ओके okay? रिवर्स कर देता है फाइन सिंपल देखो आपने क्लासेस ले लिया एक्स सिक्वेंस ले लिया यहां से और वाई सिक्वेंस कैसे लिया बार की हेड देखी हमने वाई सिक्वेंस ले लिया फिर हमने बार एच फंक्शन में एक्स और वाई को पास कर दिया बार एच क्या करेगा एक्स वाली को क्या करेगा वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेगा राइट right? एंड वाई वाली को एक्सिस पे ड्रॉ कर देगा तो आपका ये ये क्या हो जाएगा हॉर्जोनटल बायोग्राफ आ जाएगा और पीएलटी डॉट शो फंक्शन से आप इसको शो कर दोगे ओके व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड आपके पास कोड दिया हुआ है आपको इसका आउटपुट ड्रॉ करना है फाइन इंपोर्ट मेट प्लॉटली पाइपलॉट एस पी एल टी राइट right? एक्स आपका क्या है फोर एट थ्री तो हमें सबसे पहले क्या करना है यहां पे देखना है कौन सा ग्राफ है प्लॉट फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो कौन सा ग्राफ होगा लाइन ग्राफ होगा फाइन तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लोगे आपने क्या किया एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया फाइन अब यहां पे देखो एक्स एक्सिस पे क्या है आपका फोर एट थ्री तो आपने यहाँ पे थ्री से आप क्या करोगे टिक्स ले लोगे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट तक ओके okay, क्योंकि मिनिमम आपका थ्री है और मैक्सिमम आपका एट है ऐसे वाई में आपका क्या है है आपने ये कर लिए फाइन अब आपको क्या करना है लाइन ग्राफ हमें पता है लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है ओके okay? टाइटल्स दे देते हैं टाइटल्स आपका जो इसका टाइटल है ग्राफ का वो डिटेल है एक्स लेवल आपका क्या है एक्स एक्सिस और वाई लेवल आपका क्या है यहाँ से हम एक्स लेवल और वाई लेवल देख लेंगे वाई एक्सिस ओके लिख लिया यहां से देखकर ओके okay, अब हमें ये ड्रॉ करना है तो देखो एक्स फोर पर है फोर पर जो आपका फर्स्ट मार्कर आएगा वो एक्स का कौन सा पॉइंट फोर है और वाई का है वन तो यहां पे आएगा ओके okay? सेकंड मार्कर आपका कहाँ आएगा एक्स आपका एट पर है एक्स आपका एट पर है यहाँ पर एट ओके okay? और यहाँ पे देखो ये सिक्स ठीक है एट एंड सिक्स वही आपका है मार्कर यहाँ आएगा ओके थर्ड मार्कर आपका X की की क्या है की यहां पे है पे ये Three. Three. और वाई की पोजिशन है नाइन यहाँ पर थर्ड मार्कर आपका यहाँ पे आएगा ठीक है तो अब यहाँ पे मार्कर क्या होते हैं लाइन के हेल्प से ज्वाइन होते हैं फर्स्ट मार्कर सेकंड से ज्वाइन हुआ और सेकेंड मार्कर थर्ड से ज्वाइन हुआ तो आपका इस टाइप से आपका लाइन ग्राफ आ गया अंडरस्टूड इसको ड्रॉ करना बहुत इजी है आपको सिर्फ क्या करना है पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है ड्रॉ करना है उसके बाद आपको देखना है कौन सा मार्कर कहाँ आएगा पहला मार्कर कहाँ आया फोर वन पे आया फोर वन यहाँ पे हमारा फर्स्ट मार्कर आया ठीक है सेकंड मार्कर हमारा क्या है एट सिक्स पर एट एंड सिक्स एट सिक्स पे आया थर्ड मार्कर हमारा क्या है थ्री नाइन पर आया तो थ्री Nine, यहाँ पे अब हमने क्या करना है Markers क्या होते, है? की से जुड़े हुए होते हैं आउटपुट ग्राफ ऑफ आपको जो आपको यहाँ पे कोडिंग दी गई है और आपको इसका क्या, क्या करना है ग्राफ बताना है कि इसका क्या ग्राफ आएगा ठीक है इम्पोर्ट मेट प्लॉट लिप डॉट पाइपलॉट एस पी यहाँ पे हमने पी लिया है ओके एक्स सिक्वेंस क्या है आपकी टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो आप सिंपल क्या करोगे यहाँ पे एक्स सिक्वेंस पे यहाँ पे टू से स्टार्ट करोगे कहां तक मैक्सिमम वैल्यू है आपकी सेवन तो आप टू टू सेवन टिक मार्क्स ले लोगे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन राइट y आपकी वन से स्टार्ट है और कहां तक है मैक्सिमम सिक्स तक एस ओके okay? आपने सिक्स तक ले लिया अब नेक्स्ट आप क्या देखोगे कौन सा ग्राफ है यहाँ पे प्लॉट फंक्शन यूज हो रहा है तो लाइन ग्राफ है ओके लाइन ग्राफ है आपकी और आपने लाइन ग्राफ में एक्स और वाई को प्लॉट करा दिया सिंपल अब आपको देखना है देखो टू जो फर्स्ट मार्कर है वो किस पॉइंट पर है टू एंड वन ठीक है टू एंड वन फर्स्ट मार्कर आपका यहाँ पे आएगा टू एंड वन सेकेंड मार्कर आपका क्या है थ्री एंड टू थ्री एंड टू यहाँ पे आ जाएगा थ्री एंड टू देन आपका आएगा फोर एंड थ्री फोर एंड थ्री हेयर ओके देन फाइव एंड फोर हेयर फाइव एंड फोर ठीक है क्योंकि पहले x लेते हैं फिर y लेते हैं अब सिक्स एंड फाइव सिक्स एंड फाइव लाइक दिस ओके देन एंड एंड तो ये आपका क्या होगा मार्कर्स मार्कर्स आ गए आपने प्लॉट कर लिए पहले आप क्या करना छोटे छोटे पॉइंट्स प्लॉट कर लेना और फिर उनको ज्वाइन कर देना उससे आपका लाइन ग्राफ बन जाएगा पॉइंट्स देखने की एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का कौन सा पॉइंट पड़ रहा है फिर एक्स एक्सिस का कौन सा पॉइंट पड़ रहा है ऐसे आप क्या करोगे इसको ज्वाइन करके लाइन ग्राफ को ड्रॉ कर दोगे सिंपल आपका लाइन ग्राफ आ गया यहाँ पे यहाँ पे चार्ट लेवल नहीं दिया हुआ एंड ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लेवल दिया हुआ तो जितनी कोडिंग दी हुई है उतना ही आप, आ, आप क्या करोगे ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दोगे ओके फॉलोइंग्राफ राइट इन पैथन टू ड्रॉ इट तो हमारे पास एक क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया है, गया है ये क्या है हिस्टोग्राम ऑफ स्टूडेंट डेटा ये हिस्टोग्राम है okay, आपको बार की हाइट दे रखी है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पे हमारा क्या है दिस इज आर हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम क्या होता है हिस्टोग्राम आपका ग्राफ होता है जो क्या करता है रेंज कौन सा डेटा शो करता है रेंज ऑफ डेटा शो करता है राइट right? और आप क्या बोलोगे इट इज यूजफुल टू शो वैल्यूज ग्रुप ऐसी को करता है कि जो रेंज में आ रही हो ठीक है के जैसे 10, अगर हम ले 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 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एज ले लेते हैं एम्प्लॉयज की कि जीरो या फिर बच्चों की एज लेते हैं एम्प्लॉयज कितनी कमी हो सकती है बच्चों की एज लेते ले हैं जीरो टू टेन के एज में कितने बच्चे आएंगे ओके okay, फिर टेन टू ट्वेंटी की एज में कितने बच्चे आएंगे ट्वेंटी टू थर्टी की एज में कितने बच्चे आएंगे तो ये क्या करता है ग्रुप्स को शो करता है आप कह सकते हो रेंज को शो करता है ठीक है हिस्टोग्राम तो यहाँ पे हिस्टोग्राम दिया हुआ है हमें इसके लिए क्या करनी है कोडिंग करनी है सबसे पहले हमने क्या किया इंपोर्ट इम्पोर्ट एज एन पी यहाँ पे हमने नम्पाई लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट किया है उसके फंक्शंस को यूज़ करने के लिए फाइन क्योंकि हम यहाँ पे रेंज ले रहे हैं तो रेंज जब लेते हैं तो नम्पाई फंक्शन नम्पाई लाइब्रेरी के फंक्शंस का यूज करना होता है फाइन देन इम्पोर्ट मेटलॉटलिप डॉट पाइपलॉट एस पीएलटी मेट्रोटलिप लाइब्रेरी को आपने इंपोर्ट किया फाइन ओके okay. अब पीएलटी डॉट हिस्ट अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे हिस्ट फंक्शन का आप यूज करोगे फाइन और हिस्ट फंक्शन के अंदर आपने क्या पास कर दी सिक्वेंस कर दी ये आपकी सिक्वेंस है जो आपको क्या करनी है प्लॉट करनी है फाइन इस सीक्वेंस को आपको प्लॉट करना है फाइन ये आपने सीक्वेंस यहाँ पे पास कर दी जीरो टेन टेन ओके देन आपकी ट्वेंटी थर्टी फाइन फोर्टी फिफ्टी ओके okay, ये आपकी जो आपको क्या करनी है प्लॉट करनी है अब यहाँ पे हम क्या देंगे बिन्स बिन्स मतलब इंटरवल्स जो एक्स एक्सिस पे आने हैं एक्स एक्सिस पे आने आपके बिन्स जीरो से लेकर कहां तक सिक्सटी तक तो आपका यहाँ से स्टार्ट किया जीरो से लेकर कहां तक आ रहे हैं आपके बिन्स सिक्सटी तक समझ आया देखो हिस्ट फंक्शन के अंदर आपने वो सीक्वेंस सीक्वेंस कह लो या फिर आप यहाँ पे किसको किसको ड्रॉ कर रहे हो और फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो यहाँ पे जो आपको प्लॉट करनी है जो आपको शो करनी है वो आपने लिया आपने नीचे जो एक्स एक्सिस पे जो आप इंटरवल्स क्रिएट करोगे बिन्स क्रिएट करोगे वो आपने ले लिए फाइन वेट वेट क्या यहाँ पे हाइट और बार्स दे रखी है वो हमने आ, 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 वेट आर्ग्यूमेंट के थ्रू ले ली क्या है ये इट शोज द वेट ऑफ ईच वैल्यू वेट ऑफ ईच वैल्यू और यू कैन से हाइट ऑफ ईच वैल्यू ठीक है जो भी वैल्यूज ले रहे हो उसकी एक पर्टिकुलर हाइट यहाँ पे शो हो रही है फाइन जो यहाँ पे हमारी वैल्यूज आ रही हैं जैसे जो फर्स्ट वैल्यू है सेकेंड वैल्यू है उसकी हाइट ये शो कर रहा है ठीक है एच कलर एच कलर आपने येलो ले ली जो इसका uh, क्या कहते हैं हिस्टोग्राम का जो एज है जो इसकी बास का एज है उसके उसका कलर आपने येलो ले लिया ओके okay, टाइटल दे दिया हिस्टोग्राम ऑफ स्टूडेंट डेटा बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है तो हमने टाइटल फंक्शन के अंदर हिस्टोग्राम ऑफ स्टूडेंट डेटा पास कर दिया एक्स लेवल हमारा वैल्यू है मतलब एक्स एक्सिस पे जो लेवल आएगा तो हमने पीएलटी डॉट एक्स लेवल वैल्यू दे दिया देन पी एल टी डॉट वाई लेवल फ्रिक्वेंसी दे दिया एंड देन पी एल टी डॉट शो दे दिया फाइन समझ आया बिन्स के थ्रू आपने बिन्स दे दिए यहाँ पर ओके राइट एंड हाइट ऑफ बार्स आपकी डिफेंस थी टेन देन आपकी जीरो one, देखो, यहाँ पे हाइट ऑफ बार को हमने वेट आ, उसके आर्ग्यूमेंट की हेल्प से दिया है देन थर्टी थ्री ओके देन सिक्स देन एट ये हाइट है 33, okay, then six, then eight, हाँ आपकी फाइन ओके ओके एंड यहाँ पे आपने टाइटल दे दिया ओके okay, तो फिर बार चार्ट फ्रॉम द मेडल्सियाम पे आपको क्या करना है प्रोग्राम आपको क्या करना है कोड लिखना है टू प्लॉट अ बार चार्ट बार चार्ट प्लॉट करने के लिए फ्रॉम द मेडल्स वन बाय इंडिया तो आपको बार चार्ट के थ्रू शो करना है कि जो ऑस्ट्रेलिया ने मेडल्स क्या किए है? जीते हैं ओके okay, और उसी चार्ट के अंदर उस आपको प्लॉट करना है जो मेडल्स इंडिया ने जीते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है टेबल है कंट्री दे रखी है ऑस्ट्रेलिया इंडिया और यहाँ पे मेडल्स दिए हुए हैं गोल्ड ऑस्ट्रेलिया ने 80 इंडिया ने 26 सिल्वर 59 20 ब्रॉन्ज 59 20 ट्वेंटी टोटल वन नाइनटी ओके तो हमें क्या करना है इसको इसके लिए हमें कोड लिखना है फाइन सबसे पहले आप अपनी लाइन लिख दोगे इम्पोर्ट मेट प्लॉट अब हमें क्या करना है हमें चाहिए हमें एक्स एक्सिस पे चाहिए मेडल्स. राइट right? और फिर उसको प्लॉट करना है कि ऑस्ट्रेलिया ने कितना वॉन uh, मेडल्स uh, जीते और इंडिया ने कितने जीते और हमें क्या करना है सेम ग्राफ के ऊपर करना है तो सेम ग्राफ के मतलब सेम बार के अंदर आप ड्रॉ करोगे कि कितना ऑस्ट्रेलिया बस यहाँ पे आपको क्या करना है कि uh,

आप बार फंक्शन का यूज करोगे पी एल टी डॉट बार बार में आपने सिक्वेंस पास की एक्स एक्सिस पे एक 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 पास किया मेडल और सेकेंड सिक्वेंस आपकी क्या है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया को क्या करे हो? शो करो तो यहाँ पे आप एक्स एक्सिस एक 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 पे मेडल एंड देन ऑस्ट्रेलिया अगेन पी एल टी डॉट बार मेडल एक्स अगेन मेडल और वाई एक्सिस पे आपने इंडिया लिया ठीक है अब क्या होगा सेम बार के अंदर वो वेरिएशन के थ्रू दिखा देगा कि कितना कितना इंडिया का है मतलब नंबर ऑफ मेडल्स इंडिया के हैं कितने ऑस्ट्रेलिया के हैं अब यहाँ पे हमने लेजर नहीं दिया तो ये अपना डिफॉल्ट लेजेंड को यूज करेगा ठीक है हमने खुद ने यहाँ पे लेजेंड नहीं दिया हुआ कलर नहीं दिखाया हुआ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो ये अपने आप शो करेगा बाय डिफॉल्ट राइट ओके अब हमने क्या किया पीएलटी डॉट एक्स लेवल एक्स लेवल पे दे दिया मेडल टाइप ओके एंड वाई लेवल पे ले, आ, हमने दे दिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया मेडल काउंट ऑस्ट्रेलिया इंडिया मेडल काउंट और पी तो इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ ये कोड लिखना था ये मैंने यहाँ, यहाँ पे आपको आउटपुट इसलिए शो कर दिया कि ये कैसा आएगा कि ये आपको पता चले देखो जैसे फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का एटी है एंड इंडिया का ट्वेंटी तो का यहाँ पे एटी आ गया ब्लू कलर से ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है ओके और इंडिया का इसमें कितना है ट्वेंटी सिक्स है इतना इतना जो ऑरेंज कलर से इंडिया का ठीक है ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का नेक्स्ट क्या है फिफ्टी नाइन ओके okay, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का टोटल है और इसमें से जो ये आपका इतना कलर है वो किसका है इंडिया का ट्वेंटी ओके okay? तो हमें क्या करना है सिर्फ ये कोड लिखना है और कोड हाँ आपको इजिली टेबल को देख के लिखना है आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया मेडल्स को और आपने दो सीक्वेंस ले ली ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया तो आपने एक बार बार में शो कर दिया मेडल्स एंड ऑस्ट्रेलिया सेकेंड बार आपने बार में शो कर दिया मेडल एंड इन इंडिया इन तो सेम बार के अंदर उसने ऑस्ट्रेलिया को भी शो कर दिया और इंडिया को भी शो कर दिया फाइन तो जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपल क्या करना है ये कोडिंग ही लिखनी है ये ड्रॉ नहीं करना ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे शो किया है ओके ओके नाउ क्वेश्चन इज राइट अ कोड टू प्लॉट द ग्राफ टू डिस्प्ले द टोटल रन स्कोर्ड बाय इंडिया इन अ मैच एज शोन इन द दीव शोन इन द फिगर गिवन ब्लू तो यहाँ पे क्या है आपको ये फिगर दी हुई है ओके okay? यहाँ पे ओवर्स दिए हुए हैं एक्स एक्सिस पर एंड वाई एक्सिस पे आपके क्या है टोटल रन जो पर्टिकुलर ओवर में रन लिए गए हैं ओके okay, और आपको यहाँ पे सिक्वेंस भी दी हुई है रन की कि, कितना है सेवेंटी वन ट्वेंटी वन ओके टू फोर्टी एंड थ्री हंड्रेड तो इस पर्टिकुलर ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या लिखना है कोड लिखना है फाइन तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इम्पोर्ट मेट प्लॉट डॉट पाइपलॉट आपने लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया अब हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे क्या है ओवर्स तो हमने ओवर्स एज ए सीक्वेंस ले लिया वन टू टेन क्योंकि यहाँ पे रेंज दी हुई है इलेवन टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू थर्टी हमने क्या किया है रेंज में डेटा ले लिया है सिक्वेंस के अंदर ठीक है

फाइन देन एक्स लेवल पे क्या दिया हुआ है ओवर्स तो एक्स लेवल पीएलटी डॉट एक्स लेवल ओवर्स लिख दिया फिर आपने वाई लेवल पे दिया हुआ है आपके रन पीएलटी डॉट वाई लेवल आपने रन दे दिया Okay, आपने कर दिया पी डॉट शो तो यहाँ पे हमें ये कोडिंग लिखनी थी जिसको हमने क्या किया है को हमने, हमें हमने यहां से ले, ली, y यहां से ले ली हमने सिर्फ बार फंक्शन के अंदर एक्स एंड वाई को पास कर दिया टाइटल फंक्शन के थ्रू टाइटल को आपने शो करा दिया एक्स लेवल एंड वाई लेवल के थ्रू आपने एक्स लेवल एंड वाई लेवल को शो करा दिया फाइन एंड पी डॉट शो फंक्शन से आपका क्या होगा ग्राफ शो हो जाएगा ओके okay? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट पैथर्न कोड टू प्लॉट अ बार चार्ट फॉर मेटल टैली एज शोन बिलो ठीक है तो हमें क्या दिया हुआ है अगेन हमें एक पिक्चर दी हुई है ग्राफ दिया हुआ है इसको देखकर हमें इसकी कोडिंग करनी है ऑल्सो गिव सुटेबल पैथन स्टेटमेंट टू सेव दिस चार्ट हमें क्या देनी है स्टेटमेंट भी देनी है कि हम इस चार्ट को कैसे सेव करेंगे राइट right? सबसे पहले आपने क्या किया इंपोर्ट कराया अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट मैट प्लॉट लिप डॉट पाइपलॉट एस पी एल टी राइट अब देखो एक्स एक्सिस पे हमें क्या दिया हुआ है हमें आ, कैटेगरी दी गई है कि कौन से टाइप का मेडल है तो आपने यहाँ पे कैटेगरी ले ली एज अक्सिक्वेंस गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ओके वाई एक्स इस पे आपके मेडल दिए हुए हैं ओके मेडल में आपने ले लिया यहाँ पे ट्वेंटी फिफ्टीन एटीन फाइन यहाँ पे आपने क्या दिया और यहाँ पे जो आपने y एक्सिस लिया है y एक्सिस की जो सिक्वेंस ली है वो बार की ग्रा, जो ग्रा, बार है उसकी हाइट के लिए सबसे पहले देखो ट्वेंटी है तो हमने ट्वेंटी ले लिया ठीक है सेकेंड आपका फिफ्टीन है तो आपने फिफ्टीन ले लिया फिर आपका एटीन नियर अबाउट एटीन है तो आपने एटीन ले लिया ठीक है तो वाई सिक्वेंस हमेशा हम क्या करते हैं देख कर करते हैं कि जो आपने चार्ट ड्रॉ किया है ग्राफ बार्स हैं या फिर लाइन है उसकी हाइट क्या है अगर बार है तो उसकी हाइट क्या है और अगर लाइन है तो वो किस पॉइंट पे पड़ी है कौन सा वाई पॉइंट पड़ रहा है ठीक है तो यहाँ पे देखो हमने ले लिया ट्वेंटी फिफ्टीन एटीन उसकी हाइट्स के अकॉर्डिंग ले लिया हमने सिक्वेंस फाइन ओके okay, और जो आपका एक्स एक्सिस है वो तो हमें ऑलरेडी एज इट इज मिल जाता है वाई एक्सिस के लिए आपको उसकी हाँ, बार्स की हाइट देखनी पड़ेगी फिर आपको क्या करना है पी एच टी डॉट बार बार के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आपको पास कर देना है सिंपल ऐसे पास कर दिया अब देखेंगे यहाँ पे लेवल क्या है मेडल टाइप दे रखा है आपका एक्स लेवल तो आपने एक्स लेवल ले दिया मेटल टाइप वाई लेवल क्या दिया हुआ है मेटल तो आपने वाई लेवल ले लिया ले मेटल ओके okay, टाइटल क्या दिया हुआ है चार्ट का इंडिया मेडल टेली इन ओलंपिक्स ओके okay, तो टाइटल ले लिया आपने फंक्शन में इंडिया मेडल टेली इन ओलंपिक्स और पी डॉट शो राइट right? ये आपका क्या हो गया कोड आपने लिख दिया इस चार्ट को देखकर नेक्स्ट आपको क्या करना है पैटर्न स्टेटमेंट टू सेव द चार्ट अब चार्ट को सेव करने के लिए आप कौन से फंक्शन का यूज करते हो आप पाइपलॉट मॉड्यूल के सेव फिग, फिग फंक्शन का यूज करते हो तो आपने क्या किया पीएलटी डॉट सेव फिग और उसके अंदर आपने अपने चार्ट का एक पर्टिकुलर नेम दे दिया है यहाँ पे हमने नेम दे दिया यहाँ पे आप पाथ भी दे, दे सकते हो कंप्लीट राइट right? तो ये सिंपल एक एग्जांपल दे दिया यहाँ पे आप पाथ भी दे सकते हो कि कौन से ड्राइव में आपको सेव करना है ओके okay? तो ये हमने क्या किया है इस चार्ट का आ, आ, कोड का लिख के बताया कि ये कैसे आप इसको क्रिएट इसको आ, कोड कर सकते हो इसके लिए ओके okay? शर्मा इज ट्राइंग टू राइट अ कोड टू प्लॉट लाइन ग्राफ एज शोन इन द फिगर ओके मिस्टर शर्मा क्या कर रहे हैं कोड लिख रहे हैं uh, को plot करने के लिए ब्लैंक्स ऑफ द कोड एंड गेट द डिजायर्ड आउटपुट राइट right, तो ये हमारे पास क्या है ग्राफ है और ये हमारे पास क्या है कोड है जिसके अंदर कुछ ब्लैंक्स है जो हमें फिल करने हैं ओके इंपोर्ट मैट प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट एक्स पी एल टी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये है ये आपकी एक्स सीक्वेंस है वाई सीक्वेंस है पी एल टी डॉट प्लॉट प्लॉट फंक्शन लिया हुआ है एक्स वाई और कलर दिया हुआ है आपका ग्रीन ओके okay?

राइट right? क्योंकि प्लॉट फंक्शन की हेल्प से आपका क्या होगा ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ होगा ओके okay? तो हमें क्या करना है इस इसके पार्ट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के जो हमें क्या करने फिल करने ओके सेकंड पार्ट स्टेटमेंट फाइव एंड सिक्स आर यूज्ड टू गिव नेम्स टू द एक्स फाइव एंड सिक्स

ऐसे नहीं होता एंड यहाँ पे पीएलटी डॉट एक्स लेवल की एन डी तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है राइट पीएलटी डॉट एक्स लेवल एक्स एक्सिस पीएलटी डॉट वाई लेवल बाई एक्सिस पीएलटी डॉट एक्स लेवल एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे नेम डिफरेंट है लेकिन जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है तो यहाँ पे ए एंड डी कोई भी एक स्टेटमेंट आप दोनों के अंदर फिल कर सकते हो fine now next raman has executed code with first seven statement raman ne kya kiya first seven statement se code ko execute kar diya but no output is displayed which of the following statement will display the graph lekin output nahi aaya pura uh, statement fill karne ke baad wo uh, display kar diya hai okay, उसके execute कर दिया है नॉट डिस्प्ले तो लेकिन graph show नहीं हुआ Graph show क्यों नहीं हुआ क्योंकि हमें यहाँ पे किसका function करना है यहाँ पे हमें function, हमें show function का ka use करना है ओके शो फंक्शन का यूज करना है तो आप क्या करोगे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है पी एल टी डॉट डिस्प्ले ये नहीं होता पी एल टी डॉट शो फंक्शन दिस इज करेक्ट मेट प्लॉट लिप डॉट प्लॉट डॉट शो फंक्शन तो सी भी करेक्ट है तो बी और सी दोनों करेक्ट है तो एक्चुअली में हमारा जो ऑप्शन आप चूज़ करोगे वो डी है बॉथ बी एन सी फाइन ओके ग्राफ को शो कराने के लिए आप या तो पी आई टी डॉट शो फंक्शन लिख सकते हो या फिर तो यहाँ पे हमारा बहुत बी एंड सी करेक्ट है फाइन तो आप ऑप्शन डी को क्या करोगे करेक्ट करोगे फाइन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ मार्कर्स इन द अव लाइन चार्ट आर हमें बताना है कि इस लाइन चार्ट में कितने मार्कर्स होंगे ऑब्वियसली इसमें कितने होंगे थ्री मार्कर्स होंगे फर्स्ट मार्कर कहाँ पे होगा वन टू पे होगा ठीक है एक्स एक्सिस का वन पॉइंट और आपका वाई एक्सिस का टू पॉइंट सेकेंड मार्कर पे होगा 2, 4 पे होगा एक्स एक्सिस का टू और वाई का फोर और थर्ड मार्कर आपका कहा होगा थ्री एंड वन पे तो हमारे तीन मार्कर होंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है थ्री ओके द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल विल रिजल्ट इन डिस्प्लेइंग माय फर्स्ट ग्राफ इन द अबव ग्राफ ओके okay, तो यहाँ पे आपको टाइटल डिस्प्ले करना है तो टाइटल डिस्प्ले करने के लिए आप किसका फंक्शन कौन सा फंक्शन यूज करोगे आप टाइटल फंक्शन यूज करोगे और टाइटल फंक्शन के अंदर आप पास करोगे माई फर्स्ट ग्राफ राइट तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सी ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर शर्मा इज वर्किंग इन गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री एंड ही वॉज कम्पेयरिंग द गि चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग ऑफ द वेरियस गेम्स अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर यहाँ पे क्या है मिस्टर शर्मा कहाँ काम करते हैं गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री में कर, करते हैं वो चार्ट को क्या करें कंपेयर करें एक पर्टिकुलर रेटिंग दे रहे हैं राइट right? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है एक पर्टिकुलर कोड है जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं फाइन तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं चूज द राइट कोड फॉर द बिगनिंग ऑफ द स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन क्या है स्टेटमेंट वन सबको पता है क्या होती है हम लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करते हैं इम्पोर्ट मेट प्लॉट राइट तो यहाँ पे मेट प्लॉट नहीं आएगा ओनली पाइपलॉट नहीं आएगा आपका ये थर्ड स्टेटमेंट आएगा ये वाला इम्पोर्ट मेट प्लॉट लिप डॉट पाइपलॉट एज ओके ओके तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है थर्ड इम्पोर्ट मेट प्लॉट लिप डॉट ओके Right नेम ऑफ द फंक्शन दुड बी यूज इन दू टू प्लॉट अब हमें यहाँ पे क्या था रेटिंग uh, कम्पेयर करना था डिफरेंट डिफरेंट गेम्स की तो जहाँ पे कंपेरिजन की बात होती है कैटेगरीज की बात होती है वहां पर हम कौन से ग्राफ uh, को ड्रॉ करते हैं वहां पे हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं बार ग्राफ को तो हम कौन से फंक्शन का यूज करेंगे बार फंक्शन का यूज करेंगे पी एच डी डॉट बार और गेम्स एंड रेटिंग राइट जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट थ्री स्टेटमेंट थ्री के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो स्टेटमेंट थ्री क्या है आपका है एक्स uh, एक्सिस क्या है एक्स एक्सिस गेम्स है ओके एंड वाई एक्सिस पे आपका रेटिंग है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे रेटिंग कहाँ पे देंगे वाई एक्सिस का लेवल देंगे तो आप यहाँ पे दोगे वाई लेबल रेटिंग ठीक है क्योंकि रेटिंग कहाँ पे हम शो करें वाई पे करें रेटिंग हमारी वाई पे है और गेम्स हमारा एक्सिस पे है तो आपका यहाँ पे क्या आएगा वाई लेबल रेटिंग ठीक है स्टेटमेंट पे आएगा पीएलटी डॉट वाई लेबल और वाई लेबल के आप, अंदर आपने दिया रेटिंग ओके okay? नो, चूज द राइट फंक्शन और मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द स्टेटमेंट फोर स्टेटमेंट फोर क्या है स्टेटमेंट फोर में आपको क्या करना है अपने ग्राफ़ को शो कराना है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा पीएलटी डॉट फंक्शन ठीक है पीएलटी डॉट फंक्शन राइट इन केस मिस्टर शर्मा वांट्स टू चेंज द अबव प्लॉट टू

टेम्परेचर अभी टेबल में क्या दिया हुआ है कि लास्ट वीक में डिफरेंट डिफरेंट डेज पे क्या क्या टेम्परेचर रहा था ठीक है प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द टेम्परेचर अगेंस्ट डेट आपको क्या करना है एक क्या करना है लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है ओके okay. uh, जहां पे क्या है जहां पे uh, आपको ये शो करना है डेट्स एंड टेम्परेचर तो हमें क्या करना है एक्चुअली कोड लिखना है ठीक है यहाँ पे कोड लिखना है डू एज द एज पर द फॉलोइंग और कोड लिख uh, आपको कैसे लिखनी है आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग लिखनी है राइट तो सबसे पहले जो हमें बेसिक थिंग्स है वो कर लेनी है हमने इम्पोर्ट मेट प्लॉट लीड डॉट पाइपलॉट एज पी एल टी ले लिया हमने एक्स सिक्वेंस में डेट ले ली डेट को आपको एज इट इज ले लेना है देखो डेट हमने एज इट इज ले ली एज अ सिक्वेंस फिर हमने टेम्परेचर uh, को शो uh, करना है तो टेम्परेचर को हमने वाई सिक्वेंस ले लिया एज इट इज यहाँ से हमने वाई सिक्वेंस ले ली राइट right, अब हम देखेंगे ए ए क्या है सेट टाइटल एस टाइटल हमें क्या करना है टाइटल हमें ग्राफ का रखना है मे वीक टू री टेम्परेचर तो हमने पीएलटी डॉट टाइटल फंक्शन के अंदर एज इट इज ये टाइटल कॉपी कर दिया सेकेंड क्या है सेट एक्स लेवल फॉर एक्स एक्सिस डेट एक्स लेवल हमें क्या लेना है डेट तो हमने पी एल टी डॉट एक्स लेवल ले लिया उसके अंदर हमने लिख दिया डेट देन वाई लेवल हमें क्या लेना है टेम्परेचर तो पी एल टी डॉट वाई लेवल ले लिया वाई लेवल के अंदर हमने लिख दिया टेम्परेचर फाइन शो ग्रिड्स इन द बैकग्राउंड आपको जो आपका ग्राफ है उसके बैकग्राउंड में ग्रिड चाहिए तो आपने ग्रिड फंक्शन को के अंदर पास कर दिया ट्रू पी एल टी डॉट ग्रिड और ग्री के अंदर आपने पास कर दिया ट्रू

फाइन ये आपका ई वाला स्टेटमेंट हो गया अब लास्ट आपने क्या कर दिया plt.show सिंपल देखो x सीक्वेंस ये रही आपकी y सीक्वेंस ये यहाँ से ले ली फिर एज इट इज जो आपको कमांड दिए हुए थे उसको उसके अकॉर्डिंग आपने इसको लिख दिया आपको बस ये ध्यान रखना है कि टाइटल फंक्शन से टाइटल आता है x लेबल से x एक्सिस का लेबल आएगा y लेबल से y एक्सिस का लेबल आएगा प्लॉट लाइन के लिए ड्रा होता है आपका बार आपके बास के लिए यूज होता है हिस्ट आपका हिस्टोग्राम के लिए यूज होता है तो आपने कुछ छोटी सी थोड़ी बहुत बेसिक फंक्शंस को लर्न कर लिया तो आपका ये बहुत सिंपल है ओके okay? पे हमारे पास क्या है एबीसी एंटरप्राइज इज सेलिंग प्रोडक्ट थ्रू थ्री एंड कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द सेल्स डन क्वार्टरली मतलब क्वार्टरली uh, जो आपकी सेल्स हो रही है यहाँ पे थ्री सेल्स हैं उनका जो क्वार्टरली वो जो तीन महीनों में जो सेल्स कर रहे हैं उसका uh, यहाँ पे क्या है सेल्स का रिकॉर्ड है

हिम बाय गिविंग द सोलूशन ऑफ द फोइंग सिचुएशन यहाँ पे हमारे पास पाइथन कोड है और उससे रिलेटेड क्या पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम क्या करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन के आंसर देंगे यहाँ पर ओके ओके फर्स्ट क्वेश्चन क्या चूज द करेक्ट पाइथन लाइब्रेरी आउट ऑफ द फोलोइंग ऑप्शन इन लाइन टू तो जो हमारी लाइन टू है उसमें हमें क्या करना है की यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है ब्लैक दिया हुआ है तो आपको बताना है यहाँ इस ब्लैंक में क्या आएगा इम्पोर्ट मेट प्लॉटलिप डॉट पाइप्लॉट तो हम क्या करेंगे ऑप्शन डी इम्पोर्ट मेट प्लॉटलिप डॉट पाइप्लॉट एस पी एल टी नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रीड सी एसवी फाइल इन सी एस को रीड okay, okay, तो करोगे आप पांडस के रीड अंडर स्कोर सीएसपी फंक्शन का यूज करोगे तो यहां पर आपका ऑप्शन बी पीडी डॉट रीड अंडर स्कोर सीएसवी राइट इससे आपका क्या होगा सी का डेटा कहाँ रीड हो जाएगा डेटा फ्रेम के अंदर रीड हो जाएगा पी डी डॉट रीड अंडर सी एस वी फंक्शन का यहाँ पे आपको यूज करना है फाइन टाइप ऑफ ग्राफ इन लाइन फोर लाइन फोर में आपको क्या करना है आपने इक्वल्स टू बार दे दिया है ठीक है तो यहाँ पे आपको कौन से कीवर्ड uh, का यूज करना है यहाँ पे हमें यूज करना है कीवर्ड काइंड का राइट right? तो काइंड क्या है कीवर्ड है जिससे आप दे सकते हो कि इक्वल टू लाइन बार ओके आप डिफाइन कर सकते हो तो यहाँ पे आपका जो थर्ड जो आपका ये वाला स्टेटमेंट है लाइन फोर है फोर के अंदर क्या आएगा काइंड काइंड काइंडक्वल्स टू बार ओके नाउ फोर क्या है चूज द करेक्ट वर्ड टू गिव द हेडिंग इन द लाइन फाइव ठीक है आपको लाइन फाइव में क्या आपको बताना है कि आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे जिससे आपकी क्या जाए? आ जाए हेडिंग आ जाए आपके चार्ट की तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे हम यहाँ पे टाइटल फंक्शन का यूज करेंगे ठीक है चार्ट की हैडिंग को देने के लिए पीएल की डॉट टाइटल फंक्शन उसमें आपने क्वार्टरली रिपोर्ट आप क्या कर दोगे एज अ हेडिंग दे दोगे ओके नाउ चूज द करेक्ट वर्ड टू डिस्प्ले द ग्राफ इन लाइन एट आपको जो एट लाइन है उसमें क्या करना है ग्राफ को शो करना है डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पीएलटी डॉट शो फंक्शन का यूज करेंगे तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है पी एल टी डॉट शो फंक्शन ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन मिस अंकिता वॉन्ट्स टू प्लॉट द ब्लू गिवन ग्राफ ऑफ बाई इक्वल टू एक्स इंटू टू वर्स इज बाई इंटू थ्री फोर एक्स इन द रेंज वन टू टेन हाउ एवर शी इज फेसिंग सम प्रॉब्लम हेल्पिंग अ फ्यू क्वेश्चन कोड रिटन बाई हर तो यहाँ पे क्या मिस अंकिता ने एक कोर्ड लिखा हुआ है उस रिलेटेड ग्राफ भी है तो so, आपको क्या करना है इस कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देने ओके ना फर्स्ट क्वेश्चन वट कलर कोर्स शुड बी यूज टू असाइन ब्लैक कलर टू टू प्लॉट ऑफ वाईक्वल टू एक्स इंटू टू इन द लाइन मार्ग एस स्टेटमेंट तो पहले हम थोड़ा सा कोर्ट देख लेते हैं यहाँ पे हमने देखो इम्पोर्ट मेट प्लॉट लिप डॉट पाइपलॉट है हमने मेट प्लॉट लिप लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया है ठीक है नम पाइप लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया है यहां पर ओके okay, राइट right? अब देखो यहाँ पे एनपी डॉट अरेन्ज फंक्शन का यूज हुआ है Arrange function से आप क्या क्या टू टेन आ जाएगी फाइन uh, तो जो आपकी कहां पे होगी? X -axis पे वाई एक्सिस यहाँ पे वाई सीक्वेंस आपने लिया है एक्स इन टू टू ठीक है एक्स की वैल्यू उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया टू से और जी में आपने क्या किया जी सिक्वेंस जो लिया है एक्स की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर दिया थ्री से ओके okay? अब यहाँ पे पीएलटी डॉट बार आपने फर्स्ट सिक्वेंस लिया पीएलटी डॉट बार एक्स और वाई को उसके अंदर आपने क्या किया है एक्स एंड एंड को आपने क्या किया है इसके अंदर किया XY, जो आपकी black कलर में आई हुई है और सेकेंड में आपने क्या किया है एक्स एंड जी को आपने ड्रॉ किया है ठीक है जो आपकी किस कलर में आई है ब्लू कलर में आई हुई है ठीक है ओके यहाँ पे आपने एक्स फर्स्ट में आपने एक्स एंड वाई को किया है तो ये आपकी एंड वाई आई हुई है सेकंड में आपने एंड जी को किया हुआ है ठीक है अब हम क्वेश्चंस देखते हैं व्हाट कलर कोर्स शुड बी यूज्ड टू असाइन द ब्लैक कलर टू प्लॉट यहाँ पे ब्लैक कलर आपने किसको दिया है एंड वाई सीक्वेंस को दिया है ब्लैक कलर तो आपको ब्लैक कलर देना है किसको इसको आप जो आपने वाई सीक्वेंस यहाँ पे वाई सीक्वेंस ड्रॉ हो रही है सेकंड में जी ठीक है सीक्वेंस ड्रॉ मतलब आप वाई का वाई सीक्वेंस का डेटा फर्स्ट में ड्रॉ कर रहे हो जो आप ब्लैक कलर में आई है और स, जो सेकेंड बार आया हुआ है वो आपका जी है जो ब्लू कलर में आया हुआ है ठीक है तो हमें अगर ब्लैक कलर देना है फर्स्ट सीक्वेंस को तो हमने कौन सा आ, आपको देना है आर्ग्यूमेंट आप कौन सा इसमें यूज करोगे कलर इक्वल्स टू के ब्लैक कलर का क्या होता है के ठीक है तो आपने यहाँ पे डी को चूज किया है ओके पार्ट टू व्हाट एक्स एक्सिस शुड बी चूजन फॉर वाई टू एक्स इंटू थ्री प्लॉट इन स्टेटमेंट टू सो डेट नॉट ओवरलैप अब देखो हमारा पहला जो थी वो एक्स थी जो हमने सॉरी हमने क्या किया था एक्स हमारा एक्स एक्सिस था पहले जो हमारी थी वो क्या थी वाई थी ओके okay. और जो सेकंड वाली जो हम ड्रॉ रहे थे वो हमारी जी थी ठीक है ओके व्हाट एक्स एक्सिस शुड बी चूज अब ये क्या हैं कौन सा एक्स एक्सिस चूज करना है फोर वाई इज टू एक्स इंटू थ्री प्लॉट इन द स्टेटमेंट टू ओके वाई अच्छा ये वाई नहीं आएगा यहाँ पे जी आएगा जी नॉट वाई जी So जो जो स थी वो हमारी प्लॉट हो रही थी ठीक है ब्लैक कलर की ठीक है और वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करी थी वो जीरो पॉइंट फोर थी उसके बिच तो ये जो इतना स्पेस था वो कितना था जीरो पॉइंट फोर था राइट right? ओके okay? तो जो हमारी जो सेकेंड बार होगी जो ये वाली बार होगी वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो क्या करेगी मान लो ये हमारी एक्स है ठीक है तो ये दोनों ओवरलैप ना करें दोनों बार ओवरलैप ना करें तो ये टोटल जो है ना स्पेस वो कितना होना चाहिए वो होना चाहिए एक्स प्लस जीरो पॉइंट फोर क्योंकि एक बार की हमें दे रखी है विथ जीरो पॉइंट फोर तो हमने यहाँ पे जो दूसरे की हमने एक्स मान ली ठीक है दूसरी बार जो जी वाली बार है उसकी विथ हमने मान ली एक्स ठीक है तो, तो टोटल जो हमारा एक्स पॉइंट हो गया वो कितना कितना हो गया एक्स प्लस जीरो पॉइंट फोर समझ में आया फर्स्ट वाली जो थी उसकी क्या थी उसकी विट थी जीरो पॉइंट फोर हमें क्या करना है सेकंड भी ड्रॉ करनी है इसी एक्स पॉइंट पर इसी एक्स पॉइंट पर ड्रॉ करनी है ठीक है तो हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो पॉइंट फोर प्लस एक्स मतलब सेकंड का हमें अभी स्पेस नहीं पता तो हमने फर्स्ट हमें पता है जीरो पॉइंट फोर है तो हमने उसको लिया जीरो पॉइंट फोर प्लस एक्स या एक्स प्लस जीरो पॉइंट फोर ठीक है समझ आया ओके okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है फिल द ब्लैंक इन द स्टेटमेंट थ्री टू प्रिंट ऑल द द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस आपका स्टेटमेंट थ्री है ओके ठीक है तो आपको क्या करना है एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए आपको एक्स एक्सिस पे चाहिए टिक मार्क्स मतलब जो आप पॉइंट्स बनाते हो वन टू ऐसे पॉइंट्स बनाते हो एक्स एक्सिस पे आपको वो चाहिए ठीक है तो आप इसके लिए क्या करोगे आप इसके लिए क्या करोगे कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप करोगे टिक्स एक्स टिक्स यहाँ पे पी एल टी डॉट क्या आएगा आपका एक्सटिक्स एक्स ठीक है तो आपने एक्स यहाँ पे एक्स मार्क्स लगाने के लिए यहाँ पे आपने क्या दिया है एक्सटिक्स ओके मतलब एक्स सिक्वेंस एक्स सिक्वेंस आ जाए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आपकी आ जाए ठीक है ओके नेक्स्ट आपका क्या है फिल इन द ब्लैक इन स्टेटमेंट फोर टू डिस्प्ले दो करना है तो यहाँ पे आप कौन सा स्टेटमेंट uh, यूज करोगे पीएलटी डॉट लेजेंड फंक्शन आपका जो डी पार्ट लेजेंड फंक्शन ओके नाउ फिल इन द ब्लैंक इन द स्टेटमेंट फाइव टू डिस्प्ले द प्लॉट आपको आप क्या करना है अपने प्लॉट को शो करना है प्लॉट को शो करना है तो आप किसका यूज uh, करोगे आप पी एल टी डॉट शो फंक्शन का यूज करोगे तो ये आपका बी पार्ट पी एल टी डॉट शो फंक्शन थीके? आपका स्टेटमेंट फाइव पी एल टी डॉट शो फंक्शन ओके ओके चिल्ड्रेन नाउ वी विल मीट इन इन सम अदर वीडियो विद सम अदर यूजफुल टॉपिक ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियो